राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाल विवाह एवं बाल तस्करी प्रतिषेध और बालकों के अधिकार भविष्य का संचय विषय पर एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन अजमेर मुख्यालय पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा किया गया। कार्यशाला में राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के न्यायाधिपति जी के व्यास और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महेंद्र कुमार महेश्वरी सहित जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर भीलवाड़ा टोंक के अलावा अजमेर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी तथा स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में न्यायाधिपति जी के व्यास ने बताया कि जन्म के समय सभी बच्चों के अधिकार समान रहते हैं, किंतु समाज द्वारा उनके बढ़ते स्तर के साथ साथ उनमें भिन्नता ला दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल विवाह, मादक पदार्थों का सेवन, बाल श्रम आदि सामाजिक बुराइयों का जन्म होता है। न्यायाधिपति एम के महेश्वरी ने कार्यशाला के विषय पर प्रकाश डालते हुए अपना सुझाव दिया कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे को अपराध जगत में लिप्त होने से पूर्व ही उसे अपराध के दुष्परिणाम और बालक के अच्छे भविष्य के बारे में बता देना चाहिए, जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय में समय समय पर निरीक्षण की आवश्यकता है। साथ ही जिला एवं सेशन न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा द्वारा बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में संभाग से 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि हम चाइल्ड राइट्स के किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को किस प्रकार से रोक सकते हैं और चाइल्ड मैरिज को किस प्रकार से रोक सकते हैं। इसलिए एक ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों न्यायिक अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। माननीय न्यायाधिपति इसमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए जोधपुर से पधारे हैं और एक अच्छी शुरुआत है अजमेर के लिए और इसके अंदर आगे आने वाली जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो आखाती इस पे आती है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आती है उनको हम प्रभावी तरीके से कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए कार्य किया जा रहा है।